जय हिंद वंदे मातरम साथियों। अब जबकि यूपीएससी को 90 दिन बचे हुए हैं, अभी जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 90 नहीं 89 डेज बचे हुए हैं, तो नीचे ये मत कहना कि क्लिकबेट टाइटल दिया हुआ है कि 90 दिन की स्ट्रेटेजी, बट दे रहे हैं 89 डेज की स्ट्रेटेजी। वो बेसिकली हुआ ये था, कुछ टेक्निकल इशूज़ थे और भी इशूज़ थे तो वीडियो नहीं बना पाए सुबह, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी है। तो लगातार टेलीग्राम पर मैसेज, कॉल और मेल्स काफ़ी आए हैं आप लोगों के, पूछ रहे हैं कैसे तैयारी करें, क्या तैयारी करें, 90 दिनों में क्या यूपीएससी निकल सकता है या नहीं निकल सकता है, सब डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले एक बेसिक बातें, दो बातें बोलना चाहूँगा, नो पेन नो गेन। अब आप ये सोचें कि एक घंटे पहले मैं लक्ष्मीकांत पढ़ूँ और यूपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। तो कुछ लोग कहते हैं कि किस्मत से जो है एग्ज़ाम निकल जाते हैं, तो उनके लिए भी एक बात लिखी हुई है कि बिलीव इन योर हार्ड वर्क, डेस्टिनी विल फॉलो यू। आप उदाहरण ले सकते हैं, दो बहुत बड़े उदाहरण हैं, एक चंद्रगुप्त मौर्य का उदाहरण है, दूसरा नरेंद्र मोदी जी का उदाहरण है। दोनों ही केस में उनकी किस्मत ने नहीं, उनके हार्डवर्क ने उनको एक मुकाम पर पहुंचाया है। तो अब अगली बात बात करते हैं प्लान की। तो बिना प्लान के तो कोई स्ट्रेटेजी होती नहीं है, बिना प्लान के तो कोई मंजिल आपको मिलेगी नहीं। तो प्लान होना ज़रूरी है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं। तो उसके लिए बेसिक बात यह है कि इफ़ यू आर फेलिंग टू प्लान, यू आर प्लानिंग टू फेल। मतलब कुल मिला के बात वही हो गई कि कुछ लोग लगातार मैसेज करते रहते हैं, पूछते रहते हैं, सर एक घंटे पहले तैयारी करूंगा तो एग्ज़ाम निकल जाएगा क्या, दो दिन पहले तैयारी करूंगा क्या निकल जाएगा, या एक महीने पहले करूंगा तो निकल जाएगा, मगर वो तैयारी कभी करते ही नहीं है। उन लोगों के लिए क्या होता है, ये पेन और ऐसे टेस्ट सॉल्व करना ना, उनके लिए बहुत बड़ा हार्डवर्क होता है। तो वो ना कभी टेस्ट सॉल्व करते हैं, तो इसलिए उनका एग्ज़ाम भी नहीं निकलता है। और जो लोग ये सोच रहे हैं, जो लोग ये पूछ रहे हैं कि सर क्या इन 90 दिनों में एग्ज़ाम निकल सकता है क्या नहीं निकल सकता है, निकलना ना निकलना वो सेकेंडरी थिंग है। मैंने एक टेलीग्राम पर काफ़ी अच्छा पोस्ट भी देखा था, तो उस पोस्ट में यही कहा गया था कि किसी IAS ने ही वो पोस्ट लिखा था कि नेक्स्ट 90 डेज में यू आर गोइंग टू क्वालिफाई और नॉट, दैट डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क। मगर अब इन 90 दिनों में भी अगर आप हथियार डाल दोगे कि अब मैं तैयारी नहीं कर पा रहा हूँ या मैं तैयारी नहीं कर पा रही हूँ, तो उस कंडीशन में क्या होगा, होगा ना होगा वो तो बात का विषय है, मगर अगर आप तैयारी करना छोड़ देंगे तो बिल्कुल नहीं होगा। तो कुल मिला के 100% दीजिए, बाकी अगर क्विट भी करने का अटेम्प्ट का मन हो तो आखिरी दिन क्विट करिएगा। आखिरी दिन भी मैं कहता हूँ कि अगर 100% दे ही दिया तो फिर दे ही देना एग्ज़ाम, तो क्विट करने की कोई बात नहीं है। तैयारी करनी है आगे 90 दिनों में, जी तोड़ 14 घंटे 15 घंटे 16 घंटे जितना हो सके उतना डेडिकेट होके हमें तैयारी करके UPSC का एग्ज़ाम इसी अटेम्प्ट में निकालना है, पंचवर्षीय योजना नहीं बनानी है। तो ये एक IAS एस्पायरेंट की ज़िंदगी है। अब ऐसी ज़िंदगी में सोचिए, अगर बिना स्ट्रेटेजी के आप लोग चलेंगे तो क्या आप एग्ज़ाम निकल पाएंगे, बिल्कुल नहीं। तो देखिए कुछ इस तरीके का, एक ओमकांत ठाकुर सर ने IAS हैं जो 100 डे प्लान शेयर किया था, वो प्लान मैंने भी आप लोगों को शेयर किया था, एक डिटेल में बात की गई है। बहुत लोग पूछ रहे हैं टाइम टेबल, डेली का टाइम टेबल, बड़ा एक हाइप मचाई हुई है UPSC एस्पायरेंट में, तो ये वीडियो जाके देख लेना। सारे टाइम टेबल, जितने पॉसिबल टाइम टेबल है ना, सारे डिस्कस कर दिए हैं इस वीडियो के अंदर, तो जाके देख लो। मगर ये काम का नहीं होगा उन लोगों के लिए जो टाइम टेबल रोज बना के रोज फाड़ते हैं, और वैसे होता भी यही है। तो आपको क्या करना चाहिए, डेली बेसिस के आपके टारगेट्स फिक्स होने चाहिए, तो उस टाइम बाउंड मैनर में उन टारगेट्स को आपको अचीव करना चाहिए। अब ठीक है, ये टाइम टेबल की भी बात हो गई, जिसको टाइम टेबल डेली का बनाना है वो इस वीडियो को जाके देखें। ये वीडियो आपको आई बटन और हमारे चैनल पर दिख रही होगी, उसको जाके देख लें। अब सीधे आ जाते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए, हमारा जो मेन मुद्दा है UPSC का एग्ज़ाम अब आने वाले दिनों में कैसे निकलेगा। जी हाँ, कैसे निकलेगा इस पर बात करते हैं। आज है 7 तारीख, 7 से 16 मार्च। अब देखिए हमने डेज को डिवाइड कर दिया है 190 दिनों के लिए। 90 दिनों में हमें सिलेबस 3 बार कंप्लीट करना है। अब कुछ लोग कहेंगे सर नहीं संभव है। अरे बबुआ संभव है, जब आप तैयारी करोगे तभी संभव होगा, जब तैयारी ही नहीं करोगे तो बिल्कुल संभव ना होगा। तो 7 से 16 मार्च के देखिए, Shift 1 में हमें एनवायरनमेंट से हम शुरू कर रहे हैं, Shift 2 हम रखेंगे इकोनॉमी की, और Shift 3 में हम लोग टेस्ट वगैरह देंगे, डेली मेंटरिंग होगी और ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। साथ ही Shift 4 में रिवीजन और टेस्ट रहेगा, और इसमें हम लोग जो भी टेस्ट हमने प्लान किया है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, अभी इस पर डिटेल पे बात होगी, जो मैंने एक्सेल शीट अभी बनाई हुई है उस पर आपको समझ में आ जाएगा Shift 1 Shift 2 Shift 3 Shift 4 हैं क्या। इस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, 3-3 घंटे की शिफ्ट बना लीजिए, 4-5 शिफ्टें बनवा लीजिए। जैसे सुबह 4 बजे किसी का शेड्यूल है तो 4 से 7 एक शिफ्ट रख ले, फिर 7 से 8 कुछ अपना काम वगैरह जो भी फ्रेशन अप वगैरह होना है वो हो जाए, 10 से फिर लेके रख ले 1 बजे तक एक शिफ्ट, फिर 1 से 2 कुछ अपना खाना पीना सब कुछ हो गया, फिर 3 से लेके 6 बजे तक रख ले, फिर रात का 6 से 8 अपना जो भी और काम है, फिर 8 से 10 रख ले।
अब क्या इतना आप नहीं पढ़ पाएंगे तो यूपीएससी का एग्जाम अब 90 दिनों में करना क्वालिफाई बहुत मुश्किल है। अब आते हैं 4 से 16 मार्च तो हो गया, 1 से 9 दिन आपका क्या करना है, इन्वायरमेंट और इकोनॉमी कंप्लीट करनी है। डेली कैसे कंप्लीट करनी है इसके लिए अभी आगे की वीडियो में बने रहिए, उसमें बता दूंगा पूरा पूरा। 17 से लेके 17 मार्च को क्या रहेगा, अगर आप प्रीलिम्स मेंटरशिप बैच में जुड़े हुए हैं तो आपके लिए 10th डे मेंटर का कॉल रहेगा। एनवायरनमेंट का रिवीजन आपको यहाँ करना है, एनवायरनमेंट यहाँ से शुरू होगा। इकोनॉमी ये जो आप ऊपर कर रहे थे ये बफर डे है आपका, 17 तारीख आपका बफर डे है, अगर कोई भी टॉपिक्स आपके बचेंगे तो आपको यहाँ पे वो करना है, ठीक है। अब 18 से लेके 2 मार्च तक आ जाते हैं ज्योग्राफी और पॉलिटी, यहाँ पे 11 से 27 दिन आपके खर्च होंगे। यहाँ आपको ज्योग्राफी और पॉलिटी अपनी पूरी पूरी कंप्लीट कर लेनी है इंक्लूडिंग द मैपिंग। यहाँ पे शिफ्ट 3 में आपको मैपिंग रख लेनी है, रात को तो हमेशा रिवीजन और टेस्ट ही रहेगा। तो इस तरीके से आपको शेड्यूल बना लेना है, 4 शिफ्ट बनानी है, शिफ्ट 1 जब भी आप उठें, शिफ्ट 2 उसके बाद, शिफ्ट 3 साइमल्टेनियसली, 4 शिफ्ट बनाइए और पूरा पूरा एग्जाम क्वालिफाई हो रहा है। 3 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल यानी कि 28 से 35 दिन में मॉडर्न इंडिया और साइंस एंड टेक कम्प्लीट कर लीजिए। साथ में इवनिंग में टेस्ट हो ही रहा है, करंट अफेयर्स हो ही रहा है, सीट सेट आप लोग जो मेंटरशिप बैच में जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उनके लिए सी सेट का एक लेक्चर भी हर 7वें दिन आ रहा है। अब बात करते हैं 36th डे के लिए, इस दिन मेंटरिंग सेशन रहेगा और आपके लिए बफर पीरियड रहेगा जो नहीं जुड़े हुए हैं। तो बफर पीरियड में आप लोगों को क्या करना है, अपना डेली का शेड्यूल मतलब जो भी अभी तक छूटा हुआ है उनको कंप्लीट कर लेना है, टेस्ट लगाने हैं। टेस्ट के लिए रोजाना टेलीग्राम चैनल पे आपके लिए जो है हम लोग एक एक टेस्ट अपलोड कर देंगे, आप उनको सॉल्व करिए डेली बेसिस पे। अब 12 से लेके 23 अप्रैल के बीच में आपको आर्ट एंड कल्चर प्लस एंशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट कर लेनी है। अब देखिए हमने 48th डे के दिन एट द एंड ऑफ 90 में से 45 दिनों में हमने पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस टेक, एनवायरनमेंट यानी कि पूरा पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से यानी कि 48th डे लगभग 90 दिनों के आधे से कुछ ज़्यादा यानी अराउंड 55% के आसपास से हमारा रिवीजन शुरू होता है। 24 से 26 आप देखिए डेज हमारे कम हो जाएंगे यहाँ से, यानी कि 48 से 50 दिन, 2 दिन आपको मिलेंगे हिस्ट्री और पॉलिटी के रिवीजन के लिए, बफर पीरियड रहेगा 1 दिन का, क्योंकि पता है कि 2 दिन में नहीं होगा तो तीसरा बफर हमने रखा हुआ है। उसके बाद 1 फुल लेंथ टेस्ट लगाइए, फिर 29 से 1 मई पॉलिटी को देखिए, पूरा पूरा पॉलिटी अपना रिवाइज कीजिए, यहाँ देखिए जो ऊपर बचा हुआ था, अब एक बफर दिन हो गया, फिर एक टेस्ट हो गया। उसके बाद आगे बढ़िए 4 से 7 मई को यानी कि 62-63, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना ज्योग्राफी रिवाइज करना है करंट अफेयर्स के साथ पूरा पूरा। शिफ्ट 3 में हमेशा सी सेट का टेस्ट रहेगा। 8th मई को जो 64वां दिन है वहाँ फुल लेंथ टेस्ट रहेगा। 9th को बफर रहेगा और 11th से 12th में यानी कि 66 से 68 इकोनॉमी पूरा पूरा रिवाइज कर लीजिए। 13 को फिर टेस्ट दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं 14 मई को देखते हैं, 14 को आप बफर रखिए यानी जो भी अभी तक छूटा हुआ है वो कंप्लीट कर लीजिए। 15 से 17 मई फिर इन्वायरमेंट का रिवीजन, उसके बाद 18 को टेस्ट, 19 को फिर एक बफर, ठीक है। उसके बाद साइंस टेक का रिवीजन 20 से 21 मई, फिर 1 दिन का फुल लेंथ टेस्ट, फिर पॉलिटी का रिवीजन, हमारा यहाँ पे रिवीजन का राउंड 2 शुरू हो गया। 23 मई से आपका रिवीजन राउंड 2 शुरू हुआ पॉलिटी। अब यहाँ पे एक ही दिन मिलेगा एक टॉपिक एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, प्रीलिम्स से कुछ दिन पहले आपको 1 दिन में एक टॉपिक यानी कि 1 दिन में एक सब्जेक्ट पूरा पूरा रिवाइज करना होगा। अब 24 मई को फुल लेंथ टेस्ट लगाइए, फिर 25 को टेस्ट लगाइए, 26 को फिर टेस्ट, अब 27 को आ जाइए इकोनॉमी का रिवीजन राउंड 2 शुरू कीजिए, फुल लेंथ टेस्ट लगाइए, उसके बाद फिर एनवायरनमेंट का राउंड 2 29 मई को, 30 मई को फुल लेंथ टेस्ट फिर लगाइए, 31 को जो है साइंस टेक का रिवीजन 2 और 1 जून को जो है फिर टेस्ट और 2 जून को ज्योग्राफी का रिवीजन करते हुए 3 और 4 जून को जितना भी सिलेबस बचा था फिर से रिवाइज कर लीजिए और 5 तारीख को फोड़ के आइए एग्ज़ाम, बिल्कुल एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। अब एक्सेल शीट में एक बार डे वाइज टॉपिक वाइज एनालिसिस इसका देख लेते हैं। अब देखिए डेली टॉपिक वाइज उसमें जब हम बात करते हैं तो आपको कौन कौन से चैप्टर करने हैं, चैप्टर वाइज भी पूरा शेड्यूल बना हुआ है। 7 मार्च को आप करेंगे शंकर IAS के 1 से 5 चैप्टर और इकोनॉमी में की जब हम बात करते हैं तो आप करेंगे मृणाल की इकोनॉमी से पिलर 1 MBFC से मनी सप्लाई तक आप लोग कवर करेंगे, फिर 1 घंटा सी सेट, MCQ और बाकी रिविजन वगैरह आप करेंगे। डे 8 मार्च को शंकर IAS के 6 से 10, डे 3 10 से 15 शंकर IAS के, 10th डे में आप 15 से लेके 20 चैप्टर, फिर 20 से 25 चैप्टर,
मतलब 4-5 चैप्टर आप लोग डेली के करेंगे। ये पूरा एक शेड्यूल हम लोगों ने जो है टेलीग्राम के लिए पे इसको शेयर कर देंगे। डेली डे वाइज टाइम टेबल है इसमें। देखिए जैसे पॉलिटी को हम लोगों ने बिल्कुल वैसे डिवाइड किया है जैसे आपको पढ़ना चाहिए, 1 2 3 4। फिर प्रेसिडेंट को कैसे पढ़ना है वो पूरा शेड्यूल एक पूरा बना के इसकी पूरी एक एक्सेल शीट हम लोग जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दे रहे हैं। आप उसको जाके ज़रूर देख लें। पूरा फाइनली आपका 98 डे तक का पूरा एक शेड्यूल बना दिया है। जिन लोगों के पास टाइम टेबल नहीं है, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसको फॉलो कर लीजिए। क्योंकि इतना अगर कर लेंगे, मैं ये तो एश्योर नहीं कर रहा हूँ कि 100% हो ही जाएगा, बट हाँ ये अगर किया है तो बाकियों से तो जो 1% क्रीम लेयर होते हैं ना वो इस टाइम टेबल को फॉलो कर रहे होते हैं। तो वो अगर डिसिप्लिन अगर आप अपने अंदर लेके आ जाएंगे तो डेफिनेटली एग्ज़ाम दूर नहीं है। 10 मार्च, 10 जून के बाद यूपीएससी का जो 5 5 तारीख के बाद यूपीएससी का जो मेंस का एग्ज़ाम होगा ना उसके लिए भी आप लोग तैयार हैं। बस ज़रूरत है तो डेली इम्प्लीमेंटेशन की बारी आप लोगों की है। स्ट्रेटजी आपके पास है, टेलीग्राम चैनल पे इसका पूरा पीडीएफ पूरा एक्सेल शीट मिल जाएगा जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपना प्लान बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से मोस्ट सुटेबल पूरे 2 दिन देके ये प्लान हम लोगों ने प्रिपेयर किया है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये प्लान आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और बाकी अब यार प्लीज़ हर हफ्ते बाद ये मत कहना 80 दिन की स्ट्रेटेजी दे दो, 60 दिन की स्ट्रेटेजी दे दो, 30 दिन की, 20 दिन की, 50 दिन की, या 5 दिन की, या 1 घंटे पहले की। अल्टीमेटली होता क्या है, व्यूज़ के लिए हम भी बना देंगे बट ऑनेस्टली बोलूँ तो वो चीज़ हमें खुद अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि दैट थिंग सीरियस एस्पायरेंट्स के लिए थोड़ा डिमोटिवेटिंग सा रहेगा कि इतनी स्ट्रेटेजी वीडियोज़ आ रही हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, एक स्ट्रेटेजी लीजिए, आज से कंक्रीट प्लान बना लीजिए। जिन लोगों का भी प्लान नहीं है प्लीज़ कंक्रीट प्लान के साथ आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट, आप लोग बिल्कुल सक्सेस होंगे। बस एक ही चीज़ है कि एक कंक्रीट प्लान आप लोगों के पास हो और तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग सभी मेंस लिख रहे हैं, अभी सभी लोग क्वालिफाई करेंगे और प्रीलिम्स तक सभी लोग डेफिनेटली 100% देंगे। फिर प्रीलिम्स के बाद मिलकर बात करते हैं आगे क्या क्या कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।